राजस्थानी भोजन का नाम लेते ही हमारी आंखों के सामने दाल बाटी चूरमे की ये थाली आती है। इसी कड़ी में मैं बेसन के चूरमे की रेसिपी लेके आई हूँ। वेलकम टू जायरा किचन। बेसन के चूरमे के लिए हमें चाहिए मोटा बेसन। राजस्थान में तो मोटा बेसन आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास मोटा बेसन नहीं हो तो आप इसमें 1/4 सूजी मिला सकते हैं। मैंने यहाँ पर 400 ग्राम मोटा बेसन लिया है और इसमें 2 से 3 टीस्पून देसी घी डालकर इसे अच्छे से मिक्स किया है। इसे मोयन डालना कहते हैं। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे से घी डालकर इसे इस तरीके से जब शेप में आ जाए तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर आटा लगा लीजिए। आप पानी से भी आटा लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप दूध से लगाएंगे तो बाटी में एक अलग तरीके की खुशबू आएगी और बाटी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। जब हम सादा बाटी बनाते हैं तो आटा बहुत ही टाइट लगाया जाता है, लेकिन चूरमे की बाटी के लिए आप सेमी सॉफ्ट आटा लगा सकते हैं। आटा लगाने के बाद हम बाटी के ओवन को गर्म होने के लिए रख देंगे। जब तक हम बाटी बनाएंगे ओवन गर्म हो जाएगा। ओवन जब तक गर्म होता है हम इस तरीके से गोल गोल बाटी बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर टोटल 8 बाटी बनाकर तैयार की है। अब इन बाटियों को ओवन में रखकर बिल्कुल लो फ्लेम पर सेक लूँगी। बाटियों को आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर सेकनी है। बेसन की बाटी बहुत जल्दी पक जाती है और बहुत जल्दी जल जाती है, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि गैस की फ्लेम बिल्कुल धीरे रखनी है और हर 2-3 मिनट में बाटी को पलटना है। जब बिल्कुल लो फ्लेम पर बाटी अच्छे से सिक जाएगी तो आप इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लीजिए और इस तरीके से हाथों से तोड़ लीजिए। तोड़कर ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद हम इसे मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे और इसे एक बड़ी चावल छानने की छन्नी से छान लेंगे। आप इसे छान लीजिए और उसके बाद जो मोटा मोटा पार्ट बचेगा आप उसे वापस मिक्सी के जार में डालकर पीस लीजिए और वापस छान लीजिए। इस तरीके से 2-3 बार आप बाटियों को पीस कर छान लीजिए और एक दरदरा चूरमा बनके तैयार हो जाएगा। अब हम 250 ग्राम फीका मावा लेंगे और उसे एक पैन में डालकर अच्छे से सेक लेंगे। मावा कच्चा नहीं रहना चाहिए, उसे बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से हमें सेकना है और हल्के भूरे रंग का होने पर उसे एक बर्तन में निकाल कर रख देना। मावा सिकने के बाद हम एक पैन में 2 टीस्पून घी लेंगे और जो हमने एकदम दानेदार चूरमा बनाकर तैयार किया था उसे घी में धीरे धीरे सेकेंगे। अगर आपकी बाटी थोड़ी सी भी कच्ची रह गई होगी तो इस तरीके से घी में सेकने से सारा कच्चापन दूर हो जाएगा। इस दानेदार चूरमे को आपको घी में 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर सेकना है। जब चूरमा सिक जाएगा तो इसका रंग थोड़ा सा डार्क हो जाएगा और इसमें से खुशबू आने लगेगी। अब हम इसमें कटी हुई बादाम डालेंगे। बादाम भी इसी के साथ अच्छे से सिक जाएगी। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर और सिका हुआ मावा डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। मावा जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो एक खुशबू आने लगेगी और चूरमे का कलर भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो अब हम इसमें 2 टीस्पून गुलाब जल की डालेंगे। आप चाहे तो इसमें केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और गैस से नीचे उतार कर ठंडा होने के लिए रख दीजिए। चूरमा ठंडा होने के बाद मैं इसमें 125 ग्राम पीसी हुई चीनी डालकर मिक्स करूंगी। चीनी को मिक्स करने के बाद मैं इसमें 50 ml गरम गरम घी डालकर मिक्स करूंगी, क्योंकि मुझे इसमें घी कम लग रहा है। अगर आप कम घी खाना पसंद करते हैं तो ऐसे ही चूरमे को रख सकते हैं। घी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके आधे में लड्डू बना लूँगी और आधा चूरमा मैं ऐसे ही रखूँगी। राजस्थान में सावन के महीने में लोग गोट करते हैं और गोट में दाल बाटी चूरमा खाना पसंद करते हैं। मैंने आधे के लड्डू बनाकर और आधे चूरमे को ऐसे ही रख लिया है और इन दोनों को मैंने गुलाब की पंखुड़ियों से और उबली हुई और कटी हुई बादाम से गार्निश कर लिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।